हाय फ्रेंड, वेलकम टू सीखा फूड वर्ल्ड। आज हम बनाने जा रहे हैं एक मसाला कारी। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। शुरू करते हैं। पहले हम कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। अब हम इसमें दे देते हैं 3 टेबल स्पून ऑयल, 1, 2 और ये 3 हो गया। अब हम इसे थोड़ा से गर्म होने देते हैं। देखो गर्म हो गया। अब हम इसमें 1 तेज़पत्ता तोड़ के दे दिए। इसमें दे देते हैं गरम मसाला, थोड़ी सी शक्कर और कटा हुआ प्याज। अब हम इसे फ्राई करेंगे, थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हम फ्राई कर लेते हैं। देखो कलर आ गया। अब हम इसमें दे देते हैं 1 छोटा सा टमाटर कटा हुआ, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी सी नमक दे देते हैं ताकि टमाटर और प्याज दोनों सॉफ्ट हो जाए। इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें दे देते हैं अदरक और जीरा के पेस्ट, दे दिए। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें दे देते हैं प्याज के पेस्ट। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब दे देते हैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पानी दे देते हैं ताकि मसाले जल ना जाए। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, मसाले को अच्छे से कस लेंगे। अब हम इसमें दे देते हैं लहसुन के पेस्ट, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी देकर मिक्स करेंगे ताकि मसाले जल ना जाए। अब हम दे देते हैं चिलीस और उबला हुआ आलू, आलू ऑप्शनल है। मैंने पहले आलू और अंडे को एक साथ उबल के रखे हैं और अंडा को फ्राई भी कर लिए थे, इसे भी दे देते हैं। मसाले के साथ थोड़ा देर इसे भी कस लेते हैं। देखो हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी दे देते हैं। देखो इसे उबाल आने तक हमें ढककर पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। देखो बनके रेडी हो गया हमारा एक मसाला कारी। आप लोग भी ट्राई कीजिए, ये चावल या फिर रोटी के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। बाय बाय।